तो इस लेक्चर में हम लोग करंट से रिलेटेड दो बेसिक लॉ देखेंगे जिसके रिगार्डिंग हम कोई सर्किट सॉल्व भी करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे पास किरचॉफ जंक्शन रूल, पहला रूल है हमारा किरचॉफ जंक्शन रूल, दैट इज़ KCL बोल सकते हैं हम, किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ। तो उसका स्टेटमेंट है सम ऑफ टोटल करंट थ्रू एनी नोड इज़ ज़ीरो। किसी सर्किट में हम अगर जा रहे होंगे तो कोई एक नोड या जंक्शन मिलेगा, तो उस नोड या जंक्शन के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे ये नोड है तो इसमें हम मान लेते हैं कि I1, I2 और I3 ये कुछ करंट हैं ब्रांचेस से आ रहे हैं, और I4 और I5 हमारे आउटगोइंग करंट हैं थ्रू दिस नोड। तो KCL कहता है कि किसी भी नोड के अक्रॉस जो टोटल सम होगा, चाहे वो आ रहे हों चाहे वो जा रहे हों, टोटल सम जो होगा वो हमारा क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये टोटल सम जीरो कैसे आ रहा है? अगर सम ऑफ इनकमिंग करंट को हम कोई पॉजिटिव साइन असाइन करें और सम ऑफ आउटगोइंग को हम नेगेटिव असाइन करें, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकमिंग करंट को हमने क्या मान लिया है, पॉजिटिव, वो कन्वेंशन है, आप कोई भी मान सकते हैं, और आउटगोइंग को मान लेते हैं नेगेटिव। तो अगर हमने आउटगोइंग को नेगेटिव ले लिया और इनकमिंग को पॉजिटिव ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग I1, I2 और I3 का जो सम है वो पॉजिटिव हुआ, और ये माइनस I4 और ये माइनस I5 उनका सम हुआ, माइनस बाहर ले लिया I4 प्लस I5 वो ज़ीरो हुआ। तो टोटल सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी नोड के अक्रॉस जो टोटल सम ऑफ इनकमिंग या आउटगोइंग करंट है वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो होगा। दैट इज़ आवर किरचॉफ जंक्शन रूल। दूसरा लॉ हमारा है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई एक क्लोज लूप में अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें बेसिकली इस चैप्टर में तो आपको एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस यही मिलेगा। तो जो बैटरी के क्रॉस का जो ड्रॉप है या जो रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप है, उन सभी ड्रॉप का जो सम होगा थ्रू ए क्लोज लूप, हमारा जो कंडीशन ये होना चाहिए कि वाइल राइटिंग द KVL वी मस्ट राइट दिस KVL जो सम है दैट शुड बी इन ए क्लोज लूप। एक कोई क्लोज लूप हम चूज करेंगे और उसमें उन सारे ड्रॉप को अगर हम लिखते जाएं तो उसका जो टोटल सम आएगा वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। बट वाइल राइटिंग द KVL इन ए क्लोज लूप देयर मस्ट बी ए साइन कन्वेंशन दैट वी हैव टू फॉलो। साइन कन्वेंशन रिगार्डिंग KVL में, जैसे आप अगर किसी लूप में मूव कर रहे होगे तो आपको एक बैटरी से गुजरना होगा। तो जैसे आप रास्ते में कोई एक बैटरी से के थ्रू पास हो रहे हो, तो जैसे ये बैटरी ले लिया ए और बी, इसके पोटेंशियल डिफरेंस है वी। तो जब आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे और आपका सर्किट में डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है जिससे कि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन द लूप, तो वी ए बी हमारा क्या होगा, वो प्लस वी में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल से क्या हो रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो वाइल मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल there is a increase in potential, so we are basically writing here plus v। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ a से b की तक के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव। तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन दिस लूप जो है, अगर इस तरफ है तो हम पहले पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो वी ए बी हमारा क्या होगा, माइनस वी। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव दैट इज हायर पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल। तो वाइल मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप। तो अगर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है तो उसे हमने क्या लिखा है, माइनस वी। और रिगार्डिंग रेजिस्टेंस की बात करें, फॉर रेजिस्टेंस अगर हम सर्किट में मूव कर रहे हैं और किसी रेजिस्टेंस को पास करेंगे, तो किसी रेजिस्टेंस के लिए ये आ रहे हैं, हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लूप में ऐसा है,
अगर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसा है और करंट की डायरेक्शन सर्किट में ऐसी है, मतलब क्या हुआ कि अगर हम करंट के अलोंग मूव कर रहे हैं, हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो करंट के डायरेक्शन में है और उस सिचुएशन में हम किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो VAB होगा बाई ओम्स लॉ उसका मैग्नीट्यूड सबको पता है क्या होगा, IR। अब ये जो IR है ये पॉजिटिव लिखा जाएगा कि नेगेटिव, तो मैं इसे नेगेटिव असाइन करता हूँ। जब हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, हम जब करंट की डायरेक्शन में मूव करते हुए किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो हम उसे ड्रॉप लेंगे। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे कि मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, करंट की डायरेक्शन सर्किट में ऐसी है लेकिन हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो उस केस में हम VAB मैग्नीट्यूड तो वही होगा हमारे पास I इंटू आर, लेकिन ये हम नेगेटिव लिखेंगे। तो नेगेटिव हम इसलिए लिख रहे हैं कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जब हम सॉरी ये हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव तो अलोंग होगा। तो अगर हम ऑपोजिट जा रहे होंगे करंट के और रेजिस्टेंस को क्रॉस कर रहे होंगे तो हम पोटेंशियल राइज लिखेंगे। तो इसमें हम पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं साइन कन्वेंशन के रिगार्डिंग दो तीन पॉइंट की, वाइल वाइल क्रॉसिंग ए रेजिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो, then we will take potential drop across the resistance। और दूसरा लिख सकते हैं कि while crossing a resistance ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट फ्लो देन वी विल टेक पोटेंशियल राइज। मतलब प्लस वी, और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ पे माइनस वी। तो ये हमारा एक कन्वेंशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस के लिए, और बैटरी के लिए तो बहुत आसान है। बैटरी के लिए हम क्या बोलेंगे, बैटरी के लिए हम बोल सकते हैं कि हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए अगर हम मूव कर रहे हैं, तो अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव के लिए मूव करें तो हमारा पोटेंशियल राइज होगा, और अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव के लिए राइज कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो दिस इज़ बेसिकली आवर किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, जिसमें हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। अब जैसे कि एक कोई क्वेश्चन में इसे अप्लाई करते हैं, उसके पहले बेसिकली KCL और KVL के एप्लीकेशन क्या हो सकता है कि हमें किसी सर्किट है, उस सर्किट में हमें करंट या किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के क्रॉस का ड्रॉप निकालना होगा, तो उसके लिए हम पहले करंट निकालेंगे। और मान लीजिए हमारे पास I1, I2, I3 तीन अननोन्स आ रहे हैं करंट के, तो हम तीन लूप चूज कर इंडिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे I1, I2 और I3 में, और उसे सॉल्व करके I1, I2 और I3 निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे यही क्वेश्चन